मैं हूं अमित पालित और हम आपको रोजाना सेहत को ठीक रखने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए कोई ना कोई आसन बताते हैं, कोई ना कोई हम आपको पोस्चर्स बताते हैं, पोजेस बताते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि एक पोज या फिर एक ऐसा आसन जिसमें आप जिस पोस्चर में बैठ के आप एक से ज़्यादा आसन कर सकते हैं या एक से ज़्यादा एक्सरसाइज करके अपने पोस्चर को थोड़ा सा बदल के ही उसके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, तो सुनने में थोड़ी हैरानी लगेगी ना कि एक ही पोजीशन में रह के आप अलग अलग किस तरह से आसन कर सकते हैं या फिर पोजेस बदल सकते हैं जिसके फ़ायदे आपको अलग अलग मिले। जी हाँ, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक ही आसन है जिसके ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसको बहुत ही आप कह सकते हैं कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ना कि वज्रासन, क्योंकि मैं जिस पोज में बैठा हूँ इसे वज्रासन कहते हैं और वज्रासन को माना जाता है कि आप जानते हैं कि ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको खाने के बाद आप कर सकते हैं। और क्या सिर्फ इसका एक ही बेनिफिट है कि आप खाना खाने के बाद इसको करेंगे तो इससे आपका पाचन अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं, इसके और भी फायदे हैं। वो कौन से फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि आपको सिर्फ वज्रासन के इस पोजीशन पे बैठकर आप कितने और आसन कर सकते हैं जिससे आपके हेल्थ को और बेनिफिट मिल सकता है और आपको इसके मल्टीपल फायदे हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि वज्रासन एक ऐसा आप कह सकते हैं कि टू इन वन कह लीजिए या थ्री वन कह लीजिए कि उस तरह का आसन है जिसमें एक पोज में आपके एक से ज़्यादा से हम आपको पोजिशंस या फिर आसन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले करना है कि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो या तो सीधा इस पोजिशन पे आ जाइए या तो फिर आप दंडासन पे आ जाइए, इस तरह से बैठिए। फिर आप पाँव को फोल्ड कीजिए, पंजे आपके ज़मीन पे होंगे, एड़ियाँ ऊपर की तरफ होंगी, दोनों तरफ से आप आगे। जब इस तरह का पोजिशन हो जाए पाँव को इस तरह से, पंजे नीचे, टोज़ नीचे और टोज़ एक दूसरे से ज़्यादा लगे रहेंगे। फिर आप पीछे जाएंगे और ठीक ऐसे बैठ जाएंगे और स्पाइन आपकी सीधी। तो ये वज्रासन का वो पोजीशन हो गया, पोस्चर हो गया जिसमें आपको बैठना है और इसी पोजीशन में बैठ के आप अलग अलग तरीके से अलग अलग आसन कर सकते हैं। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, फ़ायदा आपको पता है कि वज्रासन का है, पेट का भी फ़ायदा मिलता है, डाइजेशन इसके लिए हेल्प करता है और साथ ही स्पाइन आपकी सीधी रहती है तो स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपका इस तरह से पोस्चर आएगा। एक बार मैं टर्न होकर आपको बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि पीछे की तरफ किस तरह से आपके पांव रहने चाहिए। देखिए इस तरह से अपने थंब्स को मिला लीजिए, उसके बाद जब आप बैठेंगे तो ये देखिए जो आपका हिप्स है सीधा इसके ऊपर हिल्स के ऊपर आ जाएंगे और बस आप सीधे ऐसे बैठेंगे और सीधे आराम से बैठ जाएंगे और आपका जो स्पाइन है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है खुल के, ऐसे आराम से बैठ जाने और आपके पोजीशंस बिल्कुल ऐसे रहेंगे या दोनों ऐसे मिला रहेगा। हालांकि आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, इस तरह से नीचे जब बैठ जाते हैं तो फिर वो वीरासन हो जाता है, लेकिन हमें वज्रासन के पोजीशन पे ही इस तरह से रहना है जो टोज ऐसे मिले रहेंगे। अब मैं साइड होके बताता हूँ कि किस तरह का पोस्चर आपको आता है। जब ऐसे बैठ रहे हैं आप तो आपका इस तरह से पोजीशन आएगा और आपके स्पाइन देखिए, जो सबसे पहला फ़ायदा आपको मिलता है इस पर बैठ के, एक तो होता है कि आपके घुटनों को साथ ही आपके जो पाँव है, थाई है, पूरे लेग्स को, इससे तो पहले के उसमें जो टेंशन होता है उसे रिलीज़ हो जाता है आपके एंकल पे या फिर आपके पंजों में। अगर आपको दर्द महसूस होता है या फिर आपके लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ गया है तो वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो पूरे पाँव को इससे आराम मिलता ही है। लेकिन साथ ही आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो जाती है और जैसे ही स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है उससे आपके पोस्चर में काफ़ी बदलाव हो जाता है। जो भी आपको स्पाइन की वजह से या फिर आपके बैकबोन की वजह से आपको जो पेन महसूस होता है या पोस्चर की वजह से आपको दिक्कत होती है वो चला जाएगा और आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। और वज्रासन क्यों कहा जाता है, यही है, जब आपकी स्पाइन सीधी रहेगी तो आप भी वज्र की तरह रहेंगे, यानी कि लाइटनिंग स्पीड की तरह आप काम करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपका पोस्चर आ जाता है। तो ये तो वज्रासन के फ़ायदे हो गए। एक तो मैंने कहा था कि इसका डाइजेशन का आपको बहुत फ़ायदा मिलता है वज्रासन से। आप खाना खाने के बाद अगर करते हैं तो क्या करता है कि जो आपका ब्लड फ्लो है, देखिए ब्लड फ्लो ऊपर से लेकर पूरा पाँव तक होता है। जब आपने इसको फोल्ड कर लिया तो ब्लड फ्लो क्या होगा कि यहाँ तक तो जो बिल्कुल दबाव हुआ था और कम हो जाएगा, थाइस के यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि पूरा का वो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ आएगा, यहाँ पेट पर, पैंक्रियाज पे, आपके स्टमक पे आ जाएगा। और यही वजह है कि सारा का सारा जो खाना यहाँ पर होता है, आप खाना खाने के बाद करेंगे तो ये पच जाता है। इसी वजह से इसका फ़ायदा आपको इतना मिलता है, बेनिफिट होता है आपको डाइजेशन में और साथ ही जैसे मैंने कहा कि स्पाइन के लिए तो होता ही है। तो वज्रासन आपको पता ही है कि कम से कम आपको आप शुरुआत कीजिए 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट,
अगर चाहते हैं तो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटे तक आप कर सकते हैं, जितना आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और इस पोजीशन में बैठने से भी आपके बॉडी को, खासतौर पर पाँव को भी आपको स्ट्रेंथिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है, और साथ ही साथ आपका जो बैकबोन है वो, आपका पोस्चर बिल्कुल बेटर हो जाता है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधी रहती है।